हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बर्स मैं हूं अनुभव गुप्ता सो so यार आज की वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए होने वाली है जो एच में एम करने वाले हैं या करना चाहते हैं सो so आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि यार अगर आप एमबीएन एच आर कर लेते हो उसके बाद जब आप एच मैनेजर बन जाते हो तो आपका क्या एक्चुअली काम होता है और एक कंपनी में एच मैनेजर को क्या क्या ड्यूटीज उसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है क्या डिस्क्रिप्शन होती है क्या उसके अंदर स्किल्स और क्वालिटीज होनी चाहिए आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी बस एंड स्कोर एजुकेशन इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं आप हमारे साथ फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस एंड अगर फ्रेंड्स आप स्टीबस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है यहीं पे जाके आप फी पे करके एनरोल भी कर सकते हो और हर वेब हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है और आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इसके बारे में कोई भी क्वेरी आप तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ सबसे पहले एच के बारे में तो अगर मैं बात बोलू एच तो एच किसी भी कंपनी का हार्ट एंड सोल होती है और एचआर का, का काम सिर्फ हायर और फायर करना नहीं होता बहुत एक मिसकनसेप्शन होता है एच एक बहुत बड़ा डोमेन है एच के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है प्लानिंग होती है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है लर्निंग डेवलपमेंट होता है करियर प्लानिंग होती है फंक्शनल इवेल्युएशन होती है रिवॉर्ड्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन या एक्सटर्नल रिलेशन मेंटेन करने होते हैं इंप्लॉय पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन करनी होती है पर्सनल वेलबींग well होती है हेल्थ एंड सेफ्टी होती है लीगल कंप्लाइंसेज होते हैं बहुत सारी चीज़ें एच के काम के अंदर आती हैं उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि एच के रोल क्या क्या होते हैं तो कुछ रोल्स होते हैं को जो प्ले करने होते हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो है वो मॉनिटर करना होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये सारी प्रोसेस को और उसके पास ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें हायरिंग करनी होती है एम्प्लॉयज की उसके बाद जो नेक्स्ट रोल होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग करना यानी कि एचआर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प करती हैं इन लेइंग फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे डेवलप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू मीट दी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूट करते हैं दे सपोर्ट टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो उनको काम करना होता है वो एच पॉलिसीज बिल्ड करना होता है और उनको मेनटेन करना होता है क्यों बिकॉज उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल एच पॉलिसी इस समय इंडस्ट्री में क्या है गवर्नमेंट की एच पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की एच पॉलिसी क्या है इसके अलावा उनको लीव प्रमोशन रेगुलेशन पे इंसेंटिव एप्सकॉन्ट पॉलिसी वर्किंग आर्स ये सारी चीजें भी मेंटेन करनी होती है ये सारी चीजें भी डेवलप करनी होती है एंड अवेयर रहना चाहिए उनको सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज से ताकि वो कंपनी के एचआर पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो सके इसके अलावा कुछ और भी रोल्स होते हैं एचआर मैनेजर के फॉर एंड यानी कि इसके अंदर एक मैनेजर का की टास्क होता है कि recognize करना है कि कि रिकॉग्नाइज करना इम्प्लॉय को कितना रिवॉर्ड देना है उसकी परफॉर्मेंस का और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उसको रिकॉग्निशन देना है ताकि इम्प्लॉय की भी मोटिवेशन बनी रहे उसके अलावा एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करने पड़ते हैं कि एक बार जब हायरिंग हो जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम ट्रेनिंग का भी हो सकता है ट्रेनिंग प्रोसेस इंक्लूड करना भी हो सकता है सो डिपेंड कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है नेचर ऑफ वर्क क्या है और भी उनको काम करना होता है न्यू हायर्स या न्यू ज्वाइनी जो होते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके कि कंपनी का एनवायरमेंट कैसे है और उसके साथ एक्स्टम हो सके अगर फ्रेंड्स मैं बात करू एच मैनेजर की ड्यूटीज क्या होती है तो अगर हम एक एक करके उसकी ड्यूटीज देखें तो सबसे पहले उसको को रिलेट एंड प्लान करना होता है टू मेक श्योर एंड टू मेक द बेस्ट यूज कि यूज्लॉई का कैसे टैलेंट एंड स्किल्स को वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बाद एडमिनिस्टर करना होता है वर्क ऑफ सपोर्ट स्टाफ एंड स्पेशलाइज स्पेशलिस्ट ऑफ दियर टीम रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है बिटवीन इम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बाद उनका एक गाइड करना पड़ता है इन हेल्पिंग दरअ टीम इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग वर्कफोर्स ये तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर काम होता है उसके बाद मॉडरेट एंड एक्ट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम करना होता है उनको अवॉइडिंग एंड सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं मैनेजमेंट और इम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं

दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ उसके बाद एम्प्लॉय सपोर्ट में काम करना होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एच आर में होता है कि टू टेक केयर ऑफ इंप्लॉइज एंड उनको प्रोवाइड करना सोल्यूशन जो इंप्लॉय के इश्यूज़ हैं उसके लिए इम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी प्रोग्राम इनके लिए इनको काम करना पड़ता है बहुत सारी स्कीम्स को भी इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है जो इम्प्लॉय की वेलफेयर की हो सके और कोई भी प्रॉब्लम अगर चैलेंज इम्प्लॉय को आ रहा है तो उसके अलावा जो डेली एच ड्यूटीज भी होती है अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जाके सीधा बॉस को नहीं बोल सकता उसको एच को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तो डेली बेसिस की भी जो एच की ड्यूटीज होती है वो भी इनको प्ले करनी होती है उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय का अप्रेजल एम्प्लॉय के अप्रेजल के अंदर एच आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ द प्रोसेस यानी कि जब एक पीरियड खत्म हो जाता है एक साल खत्म हो जाता है या कुछ छह महीने खत्म हो जाते हैं तो एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया है तो उसकी परफॉर्मेंस को पूरा एनालाइज किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसके रोल्स एंड क्राइटेरिया को कि वो और क्या उसको हम कौन से न्यू रोल कंडक्ट में रख सकते हैं उसके लिए कोई इंटरव्यू कंडक्ट करना है या उसको कौन सा न्यू रोल देना है ये भी एचआर मैनेजर का काम होता है लीगल कंप्लायंसेज भी देखने होते हैं लीगल डिपार्टमेंट वैसे कंपनी का अलग होता है लेकिन हर एक कंपनी को ये देखना होता है कि यार वो जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो लेबर लॉज के कंप्लायंस के अंदर है होना चाहिए कहीं वो ऐसी कोई पॉलिसी फॉलो ना कर रहे हो जो लेबर लॉ के अगेंस्ट जाती हो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे पीएफ एफ है मान लीजिए कोई कंपनी को पीएफ जमा कराना मैंडेटरी है लेकिन वो नहीं करवा रही है तो लेबर लॉ का वायोलेशन हो जाएगा सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मैंटेन करे और डिसिप्लिन के साथ सारे लीगल कंप्लायंसिस को फॉलो करें उसके बाद एम्प्लॉइज का डेटा भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कंप्लीट डेटा ऑफ इंप्लॉइज हर एक रिकॉर्ड स्टोर करके रखना होता है एचआर को कि कोई भी अगर इशू आता है तो एचआर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंप्लॉय की एज वेल एज अगर किसी इंप्लॉय को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी एचआर को कॉन्टेक्ट कर सकता है तो ये सारे काम एचआर मैनेजर के होते हैं अगर कोई एच आर मैनेजर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती है जो अगर किसी पर्सन के अंदर हो तो बेटर हो जाता है सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन उसको आना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आनी चाहिए लीडरशिप स्किल्स वो एग्जिबिट कर सके ऑन बोर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एम्प्लॉय रिलेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए उसके अलावा वर्कर की कॉम्पनसेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कस्टमर सर्विस के बारे में पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए उसके बारे में हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आनी चाहिए उसके बाद शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बजटिंग के बारे में भी उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आप इनको देख के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि एच के अंदर और क्या क्या होता है और टॉप कॉलेजेस फॉर एमबीएनआर क्या है तो अगर आप एमबीएन एच आर करना चाहते हो तो आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेके एमबीए करके एक एच मैनेजर बन सकते हो तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी बनाते रहेंगे आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ई भी कर सकते हो सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू